हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला लालबाग। ऐसे तो आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया है कि मैं किसके बारे में बोलने वाला और एक्सप्लोर करने वाला, तो बने रहे मेरे साथ क्योंकि ये है इंडिया का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन। यहाँ पे आप लोग को घूम के यहाँ का नज़ारा देख के बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो देर ना करते हुए, हाय गाइस, आज मेरा पास है राजीव। मास्क तो खुल, हाँ, हम दोनों आज एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। तो आज इतना गर्मी है कि मतलब मॉर्निंग 10 o'clock को इतना गर्मी है, तो हम लोग सोचे थे वो अर्ली मॉर्निंग आके एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन थोड़ा लेट हो गया ट्रैफिक के वजह से। तो अब हम लोग धूप में पूरा घूमेंगे आज, है ना? करेक्ट। तो गाइस, गेट नंबर 2 से एंट्री होते हैं क्योंकि यहाँ का नज़ारा कुछ अलग है कंपेयर टू अदर गेट। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ से एंट्री होने से पार्किंग अंदर होता है, और वहाँ से एंट्री करने से आपको बाहर पार्किंग करना होगा। वो रहता है गेट नंबर 1 और ये गेट नंबर 2। तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे पूरा सराउंडिंग में पूरा फ्लावर्स, सी फ्लावर्स है। तो इसका मीनिंग ही यही है कि लाल का मतलब रेड और बाग का मतलब है बगीचा। तो इसके नाम के आधार पे इसका मतलब स्ट्रक्चर भी ऐसे बनाया गया है। तो यहाँ से लास्ट तक आप लोग देख सकते हो बहुत ही फ्लावर्स है, और साथ में यहाँ पे फ्लोरा फौना का बगीचा है, वो मैं आप लोग को बाद में दिखाने वाला हूँ। ये रहा पार्किंग एरिया इस तरह से। धूप टाइम टू टाइम बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ही गर्मी हो रहा है। तो गाइज, ये देखिए इतना बड़ा पत्थर है, एक ही पत्थर है ये। तो इतना बड़ा पत्थर आप लोगों को पहले देखने को मिला था कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये है बहुत ही यूनिक यहाँ के लिए। एक ही पत्थर है, इतना बड़ा है, देख सकते हैं आप लोग। और इसी में खोद कर बनाया है सीढ़ी के लिए भी, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ का नज़ारा, पे लाइट ज्यादा आ रहा है तो थोड़ा व्यूज अलग सा दिख रहा होगा। एक क्राउड मार लेते इसका सराउंडिंग में। वो रहा बोनसाई पार्क, और ये रहा एंट्रेंस। और गाइस, ये जो टेंपल का सिंबल आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये इसी का सिंबल हमारा जो कर्नाटका गवर्नमेंट में जो BBMP सिंबल जो है ना, यहाँ से लिया गया है। तो इसको आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं। और तो गाइस, यहाँ पे इसका जैसे कि इसका बोन स्ट्रक्चर कैसे बनाया, पहले सबसे पहले हैदर अली ने इसका स्टार्ट किया था। तो उसके बाद हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान ने उसके बाद यहाँ का स्ट्रक्चर इसको एरिया हिसाब से भी बड़ा किया। पहले था 40 एकड़ ज़मीन पे, उसके बाद 140 एकड़ ज़मीन पे टीपू सुल्तान ने इसका स्ट्रक्चर बढ़ाया और इसको और अच्छी तरह से मेंटेन किया गया। और देश स्वाधीन होने से पहले भी ब्रिटिश सुपरटेंडेंट्स ने भी इसका इसमें रूल किया गया था, तो उस टाइम में भी बहुत डेवलप किया गया यहाँ पे। और अभी फाइनली क्या होता है यहाँ पे, ईयरली 2 times फ्लावर शो किया जाता है, जैसे कि इसका नाम दिया गया है लालबाग। तो उसी तरह से इसका मेनली इसको फ्लावर्स शो के लिए किया जाता है। तो ये ग्लास हाउस में और यहाँ की हर जगह पे यहाँ पे फ्लावर शो किया जाता है। तो ईयरली 2 times होता है, वो होता है इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में। तो उस टाइम में आप लोग यहाँ पे आके अच्छी तरह से विजिट करके मतलब यहाँ का बहुत अच्छी नज़ारा देख सकते हैं। इससे अभी तो खाली पड़ा रहता है, बट उस टाइम में बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोगों को क्राउड रहता है। तो उस टाइम में आप लोग को यहाँ पे आके विजिट करने से बहुत ही अच्छा लगने वाला है। That's cool.
और ये लेक का अगर उस जगह पे जाके अगर आप देखते हो तो मिडिल पे होते हो तो अच्छी तरह से इसमें व्यू देखने को मिलते हैं। फिर भी मैं आप लोग को यहीं से दिखाने वाला हूँ। गाइस अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ 200 इयर्स ओल्ड ट्री, जो इसको कैबेज ट्री नाम से जाना जाता है। तो इसका नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जो देख रहे हैं ये है ग्लास हाउस। इसमें फेस्टिवल का टाइम में जैसे कि रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे, इसमें अच्छी तरह से सजावट किया जाता है। अब आते हैं लास्ट व्यू देखने के लिए, वो है फ्लोरल क्लॉक। तो आज यहाँ पे काम चल रहा है तो इसको ऑफ किया गया है, और अदर टाइम पे आप लोग आके देख सकते हैं, ये सही तरीके से इसका अच्छा नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे और एक अच्छी बात है कि अगर आपको चलना पसंद नहीं तो एसी वाली सफारी मिल जाती है, पर हेड 100 रुपीज़ चार्ज करती है, लेकिन आपको सब जगह घुमाती है, फ़ोटो खींचने के लिए टाइमिंग देते हैं, तो ये आप लोग के लिए अच्छा रहेगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जो नीचे में सब्सक्राइब के नीचे जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना, ताकि आपको नेक्स्ट मेरा वीडियो आप लोग को जल्दी से आ जाए और आप लोग मेरा वीडियो एंजॉय कर पाए। अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, ताकि मेरा वीडियो बहुत लोगों को पहुँच पाए और इन्फॉर्मेशन कुछ मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।